ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद गरमाया माहौल। व्यास तहखाने में 30 साल बाद शुरू हुई पूजा आरती। ज्ञानवापी में पूजा शुरू होते ही भड़क गया मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में पूजा के खिलाफ बुलाया बंद। वाराणसी के मुस्लिम पक्ष ने विरोध में किया बाजार बंद। क्या कोर्ट का फैसला भी नहीं मान रहा मुस्लिम पक्ष? काशी के ज्ञानवापी विवाद के बीच 31 जनवरी को जिला कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और 7 दिन के अंदर नंदी महाराज के सामने स्थित तहखाना खोलकर पूजा पाठ करने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी वाराणसी के डीएम को दी। लेकिन 7 दिन तो छोड़िए, डीएम ने 31 जनवरी की रात को ही पूजा पाठ की व्यवस्था भी कर दी और ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास तहखाने में हर हर महादेव के साथ पूजा पाठ शुरू भी हो गया। इतना ही नहीं, अगले ही दिन आम शिव भक्तों के लिए भी दर्शन शुरू हो गया। ये सब कुछ ऐसे हुआ जैसे मानो चट मंगनी पट ब्याह। और यही बात लगता है मुस्लिम पक्ष को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, इसलिए शुक्रवार यानी जुमे के दिन बनारस बंद का ऐलान कर दिया गया। गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर शहर बनारस को लगता है किसी की नजर लग गई है, इसलिए जिस बनारस की गंगा जमुनी तहजीब की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती थी, उसी बनारस के चर्चित ज्ञानवापी विवाद पर आए कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष इस कदर बौखलाया हुआ है कि बनारस बंद का ऐलान कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी, अंजुमन, इंतजामिया, मसाजिद की इस अपील का असर बनारस के बाजारों में देखने को मिल रहा है, जहाँ ज्यादातर दुकानें बंद नजर आई। कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई, जबकि कोर्ट ने 7 दिन के अंदर पूजा की व्यवस्था करने को कहा था। जिलाधिकारी के इस जल्दबाजी से ही मुस्लिम पक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति हो रही है कि कैसे डीएम ने इतनी जल्दी व्यवस्था भी कर दी और व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ भी शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात है कि जीना ले आना का आदेश सर्वोपरि रहेगा। कोर्ट का आदेश तो मानेंगे ना भैया? कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहाँ इनकार कर रहे हैं? मगर हमारा कुछ सवाल है, उसको भी तो कोई सुने। जी जी, क्या सवाल? अगर माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि एक हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। हाँ। कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। भाई वो तो एक हफ्ते का तो समय दिया है। सुन तो लीजिए, हमारा कहने का मकसद ये कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940-42 से प्रमाणित है। 3 जजमेंट हमारा है, उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं इसी कैंपस में। एक दिन में 4 महीने के मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं, किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, ये वक्फों की प्रॉपर्टी नहीं है। व्यास तहखाना मामले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष को 7 दिन के अंदर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया था, यानी 7 दिन की डेडलाइन थी। उससे कम समय में भी डीएम व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उससे ज्यादा समय नहीं होना चाहिए था, इसलिए डीएम ने कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के अंदर ही पूरी व्यवस्था भी कर दी और व्यास तहखाने में पूजा पाठ भी शुरू हो गया। एक तो कोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्ष पहले से ही खफा था, इसी बात से नाराज मुस्लिम पक्ष ने बनारस बंद का ऐलान कर दिया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के महासचिव इमाम मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी ने पत्र जारी कर सभी दुकानें, कारखाने, मुर्री, गद्दी और छोटे कारोबार बंद रखने की अपील की है। कौम के नाम जारी पत्र में कहा है कि सन 1993 तक मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा पाठ नहीं होता था, ये दावा सरासर बेबुनियाद और गलत है। मुस्लिम पक्ष के इस ऐलान के बाद वाराणसी में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पे है। काशी विश्वनाथ क्षेत्र के साथ ही चौक, दाल मंडी, नई सड़क, दशाश्वमेध घाट, लक्सा, सिगरा, लहुराबीर, भेलोपुर, सोनारपुरा, गुदौलिया, चेतगंज, जगतगंज, धूपचंडी, आदमपुरा, मैदागिन, विश्वेश्वरगंज और मछोदरी पार्क में निगरानी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष।
आपको बता दें ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया तो मुस्लिम पक्ष इस कदर बौखला गया था कि आनन फानन में तड़के 3 बजे ही अपनी अर्जी लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। हालांकि वहां से उसे उल्टे पांव लौटना पड़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया था क्योंकि आम तौर पर जिला अदालत के किसी फैसले के खिलाफ सबसे पहले हाई कोर्ट में अपील करनी होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जिससे उसे वहां से वापस लौटना पड़ गया था। बहरहाल हिंदुओं के मंदिर पर बने ज्ञानवापी ढांचे के खिलाफ जिस तरह से मुस्लिम पक्ष अदालतों से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मुस्लिम पक्ष की बुलाए बंद के बाद बनारस का क्या हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। अरे देखिए मैंने वो भेजा है, ठीक ठीक इधर कितने उसको दिया, ये किसने किया? उनका कहना था 1993 तक ब्याज जी का पता नहीं, मैं जो पूछा वो बताइए। सरकार के कहने पर जी नहीं, एकदम गलत बात है। कोई याद है? पूरे जितने भी लोग हैं सुनिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे भाई सुनिए तो, न्यायालय ने जो समझा वो आदेश दिया, मगर मुस्लिम समाज इस बात से मरमाहत है कि ब्यास जी का नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिला अधिकारी के सुपुर्दगी में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं? क्यों देते हैं?